दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मछली, दुनिया के सबसे रहस्यमय जीवों के बारे में हम तो आए दिन सुनते हैं, कुछ अभी भी इस धरती पर मौजूद है तो कुछ भी कहानियां सुनने को मिलती है। वैज्ञानिक समय समय पर प्राचीन काल के कई रहस्यमय और विशालकाय जीवों के बारे में दावा करते रहते हैं और उनके जीवाश्म के पास जाने का भी दावा करते हैं। ऐसे ही एक विशालकाय समुद्री जीव मेगालोडॉन प्रजाति की शार्क मछली, जिसके होने के ठोस सबूत वैज्ञानिकों ने पेश किया है, जिनके आधार पर कहा जाता है कि एक समय ये सबसे विशाल समुद्री जीव रही होगी। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा कई दावे ऐसे भी किए गए हैं जिनमें कहा गया है कि ये विशालकाय शार्क मछली आज भी जीवित है। आइए आपको बताते हैं कि मेगालोडॉन प्रजाति की इस विशालकाय शार्क मछली के बारे में। माना जाता है कि ये शार्क मछली आज से लगभग 26 लाख साल पहले पानी में रहने वाली सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी परभक्षी थी। इसकी लंबाई करीब 60 फीट हुआ करती थी, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विशाल दानव कितना खतरनाक रहा होगा। मेगालोडॉन प्रजाति के इस शार्क मछली पर कई बड़े चैंस ने अपनी अपनी डॉक्यूमेंट्स बनाई और खोज की, जिसमें दावा किया गया कि मेगालोडॉन प्रजाति की कई बड़ी शार्क आज भी मौजूद है। आज तक इस दत्याकार मछली के बारे में सुनने का विश्वास नहीं होता कि क्या वाकई इतनी बड़ी और खतरनाक मछली हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक इस शार्क के मिले जीवाश्म और अवशेषों के आधार पर दावा करते रहे हैं कि इस विशालकाय और खतरनाक मछली का 26 लाख साल पहले समुद्र पर राज हुआ करता था और इससे बचना किसी के लिए नामुमकिन नहीं था। इस शार्क का जबड़ा करीब 2 मीटर का होता था और इसके जबड़े में 7 इंच लंबाई वाले 270 नुकीली दांतों हुआ करते थे, जिससे ये अपने शिकार को अपना निवाला बनाती थी। ऐसा नहीं है कि इस शार्क के आज भी जीवित होने का दावा सिर्फ वैज्ञानिक ही करते आए हैं, बल्कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनसे ये बातें सच लगने लगी कि शायद वाकई आज भी मेगालोडॉन प्रजाति की ये विशाल का शार्क आज भी मौजूद है। 1918 में ऑस्ट्रेलिया के आकृति वैज्ञानिक डेविड स्टीम के अनुसार उनके साथ काम कर रहे मछुआरों ने ब्लूटोन आइलैंड के पास करीब 35 मीटर लंबी शार्क मछली देखने का दावा किया, जिसके डर से मछुआरों ने वहां जाने से इनकार कर दिया। लेकिन ये बात सबको हैरान कर देने वाली थी कि क्या वाकई इतनी बड़ी कोई शार्क हो सकती है, और इस घटना को भी मेगालोडॉन शार्क के आज भी जीवित होने के दावों से जोड़कर देखा जाने लगा है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में भी इस विशाल शार्क होने के दावे किए गए। इस दावे में कहा गया है कि यहाँ करीब 45 फीट लंबी शार्क मौजूद है और इसी के चलते 2009 में भी हिस्ट्री चैनल ने अपने डॉक्यूमेंट्री में यह इस शार्क को खोजने की कोशिश की। हालांकि इन्हें भी इसके कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन हिस्ट्री चैनल ने ये जरूर माना कि यहाँ ये विशाल का शार्क मौजूद हो सकती है। 2012 में दक्षिण अफ्रीका के कुछ मछुआरों ने भी 30 से 40 फीट लंबी शार्क देखे जाने के दावे किए थे, लेकिन मेगालोडॉन शार्क के आज भी जीवित होने के ज्यादातर दावों को सुलझाया नहीं गया। लेकिन मेगालोडॉन शार्क के आज भी जीवित होने के ज्यादातर दावों को झुठलाया गया है और पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाए हैं, जिसे ये कहा जाए कि दैत्याकार मेगालोडॉन शार्क आज भी मौजूद है। लेकिन इसे पूरी तरह झुठला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कई खोज में ये पाया गया कि जब विलुप्त माने जाने वाली कई जीव आज भी जीवित पाए गए। अब मेगालोडॉन शार्क के आज भी जीवित होने का दावे सच्चे है या झूठे, ये तो पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर ये बात साबित हो जाती है कि आज भी मेगालोडॉन शार्क जीवित है, तो ये वाकई सबके लिए चौंकाने वाली खबर होगी।